सीधी बात मंदिर है के कि ये इन्होंने साथ क्यों अलग है। इससे पहले तूने देखा यही बात था सबके सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंस कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, उसमें 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटा कर सोमवार को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने कहा। सरकार का इस पर कोई असर नहीं होगा ये मुझे मालूम है, और ये सरकार को इससे एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश हो सकती है, मगर इससे कुछ होगा नहीं। ऐसी है कि ये डिलीवरी किए है कि कैसे किया, इस बारे में मैं कोई अभी भाषण नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बात साफ है कि जो एलिगेशन किए हैं इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले क्यों नहीं बात की है, पवार साहब, अभी क्यों गए। पवार साहब, ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी का है ना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगो उनके तरफ से। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि सचिन वाजे ये कितने बार गृहमंत्री के पास दिखे, इसका भी कहीं ना कहीं जवाब आना चाहिए। तो इसलिए अपने ऊपर की बात टालने की बात ये जो पवार साहब ने कही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। सरकार के आशीर्वाद से वाजे उस जगह पर आए थे। दूसरी बात, माननीय पवार साहब ने ये कही कि जूलियो रिबेरो जी ये इसकी जांच करे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जूलियो रिबेरो जी बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, पुलिस महकमे में उनका नाम बड़ा है, उनकी उम्र भी काफी है, अनुभव भी बड़ा है, पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करे, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृहमंत्री की भी जांच करें? और अगर महाराष्ट्र के गृहमंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृहमंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10-12-15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या? क्या वो अथॉरिटी उनके पास होती है? क्या उनको मिल सकती है? और अगर दे भी दी तो क्या वो कर पाएंगे? क्या ऐसी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इसलिए मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। अगर पवार साहब को लगता है, क्योंकि पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था, उन्होंने कहा ये बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है, वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर्ड कीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा।